बहुत स्वागत, खबर दिनभर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर में क्लस्टर्स की बैठक की तो खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद शाह ने भोपाल में प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के दौरे को अहम माना जा रहा है। मुरैना, भिंड, गुना और ग्वालियर के बूथ प्रबंधन समिति के तकरीबन 400 नेताओं कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की। हर बूथ पर 370 वोट पक्का करने का मंत्र दिया। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वन टू वन चर्चा कर जमीनी हकीकत को जाना। खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस रही तो कार्यकर्ताओं को मिशन में जुट जाने का संदेश भी दिया गया। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने एक तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका। कार्यकर्ताओं से अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत की जमीन पर उतारने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अगले 5 साल का लक्ष्य बताया और 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। मध्य प्रदेश पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य ने चुनावी महासंग्राम का आगाज कर दिया है। अमित शाह का अंदाज वही पुराना था। खजुराहो के मंच से अमित शाह ने राहुल गांधी को राम मंदिर बनने की तारीख बताई। ए राहुल बाबा, 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे बताएंगे। राहुल बाबा, 22 जनवरी 2024 दस सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया और हिंदू, हिंदुत्व, महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाकर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया, इनके साथ ही महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया, राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। मोदी जी, भारत छोड़िए, अभी यूएई में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर नरेंद्र मोदी जी आए हैं यूएई। उसके बाद अमित शाह चुनावी मुद्दे पर आए और अगले 5 साल को महान भारत की नींव डालने वाला साल बता दिया। लगे हाथ ये भी बताया कि कांग्रेस के पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या होता था और मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने अब वादा किया है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा, हमारा भारत पूर्ण विकसित देश होगा, हमारा भारत महान भारत बनेगा। अगले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल। आखिर में अमित शाह ने मध्य प्रदेश की जनता से प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जिताकर मोदी जी की झोली भरने का आह्वान किया और 400 पार के आंकड़े को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं को कूच करने का निर्देश दिया। और अभी अभी विधानसभा के चुनाव में आए, सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार कमल की सरकार आपने बनाई। मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। 19 में एक बच गई थी, 19 में एक बच गई थी, 24 में 29 की 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए
और 400 का आंकड़ा पार कराई। इस तरह से अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का बिगुल मध्य प्रदेश में फूंक दिया और अब केंद्र की सत्ता के सबसे बड़े संग्राम में देश की सबसे बड़ी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18, खजुराहो। और अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सात परिवारों का गठबंधन बताते हुए कहा कि ये गठबंधन एक तरफ और पीएम के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली एक तरफ। जनादेश जातिवाद परिवारवाद के खिलाफ, जनादेश पर तुष्टिकरण का असर ना हो, देश सच्चे लोकतंत्र की तरफ जा रहा है। हजारों कार्यकर्ता ऐसे निर्माण करें जो पार्टी को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। ऐसे कार्यकर्ता की निर्मिति करने वाला व्यक्तित्व और सात परिवार के बेटे बेटी भतीजा और दामाद को सत्ता दिलाने वाला गठबंधन, ये दोनों के बीच में चुनाव करना है। मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर विशेष खबर विदिशा से, जहां सिरोन से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और कहा कि मैंने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया है, अगर मेरे शुभचिंतक हो तो पांव मत पड़ना, मुझे मरा देखना है तो पांव पड़ना, जिंदा देखना है तो नहीं। स्वागत सत्कार कराना छोड़ दिया, क्रिकेट मैच देखना छोड़ दिया, शादियों में जाना छोड़ दिया। उमाकांत शर्मा पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई हैं। पहले भी अपनी कार्यप्रणाली, बयानबाजी और अंदाज के चलते ये सुर्खियों में रहे हैं। मैं उमाकांत शर्मा आपका चरण सेवक सादर प्रणाम करता हूं। मैं एक घोषणा कर रहा हूं, मैंने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया, घर छोड़ दिया और धोती कुर्ता के अलावा कोई वेश धारण नहीं करता, आप भी देख रहे हो। मैंने स्वागत सत्कार करवाना बंद कर दिया, उसके बाद भी आप लोग तौलिए हैं, रुमाल जबरन खर्चा कर रहे हैं और फूलों में। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कोई तौलिए रुमाल फूल गोटा के हार फूलों के हार कुछ ना लें। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले पर प्रदेश के लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया था। मोदी की गारंटी भी यही है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छत्तीसगढ़ और बाहर के राज्यों में कुल 13 ठिकानों पर रेड की है। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने 13 अलग अलग ठिकानों पर रेड की। इनमें शराब कारोबारी, पूर्व आईएएस और ठेकेदारों के यहां दबिश दी गई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर के सरगांव में भाटिया डिस्टिलरी, कोटा में वेलकम डिस्टिलरी, दुर्ग में कोड़िया डिस्टिलरी पर टीमों ने सबूतों को खंगाला। वहीं रायपुर में अनवर ढेबर, विवेक ठांड समेत अनिल टुटेजा के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। इधर इन छापों को लेकर सीएम ने कहा कि घोटाले बाजों पर सख्त कार्रवाई होते रहेगी। बड़ी कार्रवाई है, ईडी में एफआईआर दर्ज होने के बाद शराब घोटाले में, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कई जगहों पे जो है छापेमारी कर रहे हैं, जहां केस करते हैं शराब घोटाले को। अबे उनका काम है, सतत करते रहते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है लेकिन ये आरोप निराधार है। ये तो पूरी उम्मीद है कि जो आरोप ये लोग लगाया है वो आरोप निराधार साबित होंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, जो आरोप पिछले पांच साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी वो सारे आरोप निराधार साबित होंगे। शराब घोटाले को लेकर ईडी पहले भी गिरफ्तारियां कर चुकी है। 17 जनवरी को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। ये घोटाला 2161 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। युगल तिवारी, रायपुर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरबा के डिंगापुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। देवांगन ने कहा कि यहां बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं और उन्हें इस अस्पताल का फायदा होगा। अरे हमारे कोरबा जिला के लिए गौरव की बात है कि हमारे जो श्रमिक हैं उनको यहाँ पर निःशुल्क में
उनका चिकित्सा होगा, स्वास्थ्य लाभ लेंगे और बड़े अच्छे ढंग से हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ डॉक्टर वगैरह सब की व्यवस्था है, ओपीडी सभी भर्ती का भी, और इस हॉस्पिटल के माध्यम से श्रमिकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि श्रमिक होते हैं बड़े हॉस्पिटल में, जब उनको कोई गंभीर बीमारी होता है तो भर्ती करते हैं, बड़े खर्चा उठाना पड़ता है, उसमें बेचारे लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बाकी इस हॉस्पिटल के माध्यम से उनका मुफ्त में इलाज होगा।